सो गाइस हम डे टू डे लाइफ के अंदर Amazon और Flipkart से शॉपिंग करते रहते हैं। रिसेंटली अभी इन्हीं दोनों प्लेटफॉर्म पर सेल चली थी, बिग बिलियन डेज और Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल। ये सेल आपकी 8 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चली थी एंड इस सेल के अंदर आपको काफी हैवी डिस्काउंट मिल रहा था। एंड आई नो गाइस आपने इस सेल के अंदर काफी सारी शॉपिंग करी होगी क्योंकि दोनों ही प्लेटफॉर्म पे आपको काफी हैवी डिस्काउंट मिला था। बट गाइस प्रॉब्लम ये है, जब आप इन वेबसाइट पर जाते हो, पीसी कंपोनेंट्स खरीदते हो लाइक प्रोसेसर, मदरबोर्ड, ग्राफिक्स कार्ड, पेरिफेरल्स खरीदते हो, तो आप डायरेक्ट जाके बाय कर लेते हो, आप प्राइस को कंपेयर भी नहीं करते हो दोनों ही वेबसाइट पर। एंड बिना ये जाने जो मैंने प्रोडक्ट खरीदा है क्या वो मैंने सही प्राइस पे खरीदा है या नहीं खरीदा, मैंने उसके लिए ज्यादा पैसे तो नहीं दिए, आप ये भी चेक नहीं करते हो। चलो गाइस आप खुद ही बताओ क्या आपने चेक करा था। वेल आई नो गाइस आपने चेक नहीं करा होगा। कौन सेम प्रोडक्ट को जाके बार बार चेक करे अलग अलग वेबसाइट पे और कौन वेट करे कि प्राइस कब कम होगा मैं इसे खरीदूंगा, कोई भी नहीं करता है क्योंकि काफी ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन अब बात आ जाती है, आपको पता कैसे चलेगा आप जो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो किस वेबसाइट पे सस्ता मिल रहा है, किस वेबसाइट पे महंगा मिल रहा है, एंड जो प्राइस मिल रही है क्या वो बेस्ट प्राइस पर मिल रहा है या नहीं मिल रहा, बेस्ट डील मिल रही है या नहीं मिल रही। ये सब कुछ पता करने का एक बेस्ट सॉल्यूशन है बाय हटके। अब इनके नाम में ही हटके है तो कुछ ना कुछ तो यूनिक आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। सो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बाय हटके क्रोम एक्सटेंशन के बारे में। ये क्रोम एक्सटेंशन इतना ज्यादा यूजफुल है, आपकी जितने भी प्रॉब्लम है जो मैंने आपको बताई है ये सारी की सारी सॉल्व कर देता है। सो गाइस आप सभी के साथ में सेल्स में एक बहुत बड़ा स्कैम होता है। वेबसाइट वाले पता है क्या करते हैं, सपोज किसी प्रोडक्ट का प्राइस है 100 रुपए तो वेबसाइट वाले उसका बढ़ाकर प्राइस 150 रुपए कर देंगे और प्राइस तब बढ़ाएंगे जब सेल्स में कुछ दिन बचे होंगे एंड जब सेल आएगी तो उसे 150 रुपए में बेचेंगे, उसी पे आपको डिस्काउंट दे देंगे एंड आपको लगेगा कि डिस्काउंट में मिल रहा है तो जल्दी से खरीद लेते हैं। बट देखा जाए तो एक्चुअली में आपको कोई डिस्काउंट मिलता ही नहीं है, प्राइस बढ़ाकर उस पर डिस्काउंट देना वो कोई सेल नहीं होता है एंड ये स्कैम आपके साथ होता रहता है। सो गाइस आपको बाय हटके क्रोम एक्सटेंशन के अंदर एक सबसे बड़ा फीचर मिल जाता है, प्राइस हिस्ट्री ग्राफ। बेसिकली ये प्राइस हिस्ट्री ग्राफ आपको दिखाता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की फुल प्राइस हिस्ट्री दिखा देता है, कब वो सस्ता था, कब वो महंगा था, सेल से पहले उसका कितना प्राइस था और सेल के अंदर कितना प्राइस था। इवन ये आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का लोएस्ट प्राइस भी बता देता है, सबसे सस्ता प्राइस क्या था वो भी आपको उस प्रोडक्ट का बता देता है। इवन इसके अंदर आपको एक प्राइस ड्रॉप भी मिल जाता है, प्राइस ड्रॉप आपको ये डेज के हिसाब से, वीक के हिसाब से और मंथ के हिसाब से भी बता देता है। और आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हो लाइक Amazon, Flipkart आफ्टर एडिंग दिस एक्सटेंशन तो आपको वहां पे ग्राफ देखने को मिल जाता है। अगर उस ग्राफ के अंदर वहां पे ग्रीन डॉट ब्लिंक कर रहा है तो समझ लेना उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो गिर चुका है, काफी ज्यादा प्राइस में डिफरेंस आ चुका है, तो वो बिल्कुल बेस्ट टाइम है उस प्रोडक्ट को खरीदने का। अगर वहां पे रेड डॉट ब्लिंक कर रहा है तो समझ लेना जो प्राइस का डिफरेंस है, जो प्राइस में चेंज आया है वो इतना नहीं आया है। इसके अंदर आपको और भी काफी सारे अमेजिंग फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आपको लोएस्ट प्राइस चेक कर सकते हो, हाईएस्ट प्राइस भी आप चेक कर सकते हो इंडिविजुअल प्रोडक्ट का। सो गाइस जल्दी से मैं आपको बाय हटके क्रोम एक्सटेंशन को डाउनलोड करना सिखा देता हूं, तो इस एक्सटेंशन की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप इस पेज पर आ जाओगे, सिंपली अगर आप गूगल पर सर्च करते हो बाय हटके तो आपको टॉप में ही वेबसाइट मिल जाती है, तो सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहां से भी एक्सटेंशन को ऐड कर सकते हो, तो सिंपली आपको एक्सटेंशन ऐड करने के लिए ऐड टू क्रोम पे क्लिक कर देना है और आपको यहां पे ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कर देना है। करने के बाद आपका जो एक्सटेंशन है वो डाउनलोड हो जाएगा। सिंपली आपको यहां पे आई एग्री पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट क्लिक कर देना है, फिर आपको यहां पे नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट कर देना है और डन कर देना है। एंड आपको यहां पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है एंड आपका जो मोबाइल नंबर है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है, सिंपली आपको क्लोज पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, तो सिंपली आपको यहां पे सारे फीचर्स मिल जाते हैं इस एक्सटेंशन के एंड आपको यहां पे रेफरल का एक ऑप्शन मिल जाता है, तो सिंपली आपको यहां पे मेरा रेफरल कोड डाल देना है। तो आपको मैं बता देता हूं कि आप रेफरल कोड कैसे डाल सकते हो, तो सिंपल मैंने आपको आगे वीडियो में दिखाया है, आपको वो स्टेप्स को फॉलो करना है एंड आप मेरा रेफरल कोड डाल सकते हो। जैसे ही आप रेफरल कोड डालोगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस रेफरल का क्या फायदा है, आप जब भी 1000 रुपए की शॉपिंग करोगे किसी भी वेबसाइट से तो आपको 150 का वाउचर मिल जाएगा। एंड आपको इस बाय हटके एक्सटेंशन के अंदर एक सबसे बड़ा फीचर मिल जाता है प्राइस कंपैरिजन। आप डायरेक्टली एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट की यहीं से प्राइस को चेक कर सकते हो अलग अलग वेबसाइट से। एंड इसके अंदर आपको एक और सबसे बड़ा फीचर मिलता है प्राइस ड्रॉप अलर्ट। ये फीचर वर्क कैसे करता है डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। फॉर एग्जांपल आपको ये SSD बाय करनी है, इस SSD का करंट प्राइस है 3500 रुपए, आपको ये SSD 2000 रुपए के अंदर
अगर खरीदनी है तो आपको वॉच प्राइस ऑन पे क्लिक कर देना है, अलर्ट पे क्लिक कर देना है, आपको यहाँ पे 2000 रुपए डाल देना है। अब जैसे ही इस SSD का प्राइस 2000 रुपए टच करता है या इससे नीचे जाता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल सकते हो, आपको ईमेल एड्रेस पे भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको नॉर्मल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है, क्लोज कर देना। अब जैसे ही प्राइस नीचे आता है तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आपको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको बस प्राइस सेट कर देना है, जैसे ही प्राइस को टच करता है उतना आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर आपको एक और अमेजिंग फीचर मिल जाता है, ऑटोमेटिक कूपन अप्लाइड। अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो उसके साथ कोई कूपन कोड आया है तो ये ऑटोमेटिकली कूपन कोड ढूंढ के अप्लाई कर देगा। आपको कूपन कोड ढूंढने की जरूरत भी नहीं है और अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद कूपन कोड ढूंढेगा और खुद ब खुद अप्लाई कर देगा। बट ये जो फीचर है ये कुछ ही वेबसाइट में वर्क करता है, ज्यादातर वेबसाइट में वर्क नहीं करता। आजियो हो गया, मिंत्रा हो गया और जो अदर वेबसाइट्स हैं उन पे वर्क करता है। मेरे हिसाब से ये जो एक्सटेंशन है ये काफी ज्यादा यूजफुल है। अब आपको 10-10, 20-20 वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, इस वेबसाइट पे ये डील चल रही है, उस वेबसाइट पे वो डील चल रही है, इस वेबसाइट पे इतना प्राइस गिर गया, उस वेबसाइट पे इतना प्राइस चला गया, अब आपको ये देखने की जरूरत नहीं है एक एक करके। सिंपली आपको इस एक्सटेंशन को डाउनलोड करना है और यूज करना है, ये सारी की सारी चीजें आपको बता देगा। ग्राफ को एनालाइज करना, लास्ट प्राइस को देखना, हाईएस्ट प्राइस को देखना, चेक करने के बाद अपना प्रोडक्ट खरीदना। तो गाइस, आप रेगुलर शॉपिंग करते रहते हो Amazon, Flipkart से, आजियो से, मिंत्रा से, अदर प्लेटफॉर्म से शॉपिंग करते रहते हो तो जरूर से भाई इस एक्सटेंशन को यूज करना बाय हटके। भाई काफी अच्छा एक्सटेंशन है, मैं इसको काफी लंबे समय से यूज करता आ रहा हूँ, सोचा क्यों ना अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करा जाए, क्योंकि काफी ज्यादा यूजफुल है, ये बिल्कुल फ्री टू यूज है, आपकी काफी अच्छी खासी सेविंग करा देता है, तो ये डेफिनेटली शेयर करना तो बनता है। तो अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको फर्स्ट पिन कमेंट में भी मिल जाएगी, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। अपनी जो हार्ड एंड मनी है भाई उसको सेव करो और इस एक्सटेंशन को जरूर से डाउनलोड करो।